हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार खुलुम्बाई। अभी मैं चल रहा हूँ 129 नेशनल हाईवे से। ये है कार्बियलंग डिस्ट्रिक्ट में है। अभी इसी के साथ आज का वीडियो आरंभ करता है। ये है हमारा एक मंदिर, देवपानी मंदिर, इसी की किनारे से जा रहा है हम। अभी हम जाएंगे हिडीपी डीपू हो जाए होते हुए डीमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट के साथ, डीमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट होते हुए माइबोंग जाटिंगा और हाफलोंग के किनारे से करीमगंज निकल जाएंगे। ये है नेशनल हाईवे 29। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा जगह में हुआ है, बहुत जगह में नहीं हुआ है। ये है बरिया बना रहा है, एक साइड में वन वे हो गया, दूसरा साइड अभी बनने को तैयार है, लगभग कंप्लीट ही हो गया। ये है बरिया है, ये रास्ता लगभग बढ़िया ही है अभी तो फिलहाल। ये कार्बियलंग डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये बढ़िया है रास्ता। इसके साथ साथ तो निकल जाएंगे हम 329 नेशनल हाईवे। ये हो गया डीपू क्रॉस हो गया हम 329 नेशनल हाईवे। इसके बाद थोड़ा सा जब होजाई मिलता है, इससे पहले होजाई से पहले पहले रास्ता बहुत ही ख़राब है, स्लो मोशन में चलना पड़ता है। ये है बस्तियाँ रास्ते में जो भी है, कार्बी लोगों का है, ये ज़्यादातर कार्बी है इस इलाका में। और इसके साथ साथ वहाँ पे कुकी वगैरह भी रहते हैं। और रास्ते के किनारे किनारे में ज़्यादातर खेती तांबुल मिलेगा, सुपारी जिसको सुपारी बोलता है, इसके साथ बराबर का फेर वगैरह बहुत मिलता है यहाँ पे। ये है नेशनल हाईवे 329, बढ़िया है रास्ता, चल सकता है कहीं भी जाना है तो। वाह, वो बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहा है इधर घरे घरे हो रहा। ये आ गया हमारा हो जाए। ये है बस्ती है, था नहीं कौन सा बस्ती है, नाम तो मालूम नहीं है। और आगे मिलता है भोले बाबा का मंदिर, पता नहीं ये कौन सा जगह है, कोई सिविलियन तो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये है बरिया से बना हुआ है, अभी कोई भी एक प्राणी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे पूछने के लिए, लेकिन भोले बाबा का मंदिर है। जय हो सभी। अभी हम आ गया है डीमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट। ये है नेशनल हाईवे, कंस्ट्रक्शन बहुत सारा चल रहा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ब्रिज वगैरह बहुत बना हुआ है। और आगे मिलेंगे, ये है माइबंग। और ये लिखा हुआ है माइबंग होटल कम रेस्टोरेंट। अभी आ गया है यहाँ माइबंग। वंस अपॉन अ टाइम इट वाज द कैपिटल ऑफ कोसारी किंगडम। अभी माइबंग क्रॉस करने के बाद आप लोग भी क्रॉस हो गया, आप लोगों की बाईपास रोड से जा रहा है हम।
अभी यहाँ पे रास्ते बहुत ही ख़राब हैं, हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है, पता नहीं कब ऐसे लग रहा है कब ऊपर से ज़मीन गिर जाए। ये देखो, ये है हमारा नेशनल हाईवे का कंडीशन, बहुत ही बुरा हाल है। तो आओ, इतना रिस्की है ऐसे रास्ते से, पानी ही पानी, हल्का सा बारिश होने से भी ये पानी आ रहा है, क्योंकि आने जाने के लिए जो ड्रेन बनाना था इस प्रकार का बना के नहीं रखा। ये देखो, बहुत ही रिस्की है, नीचे बहुत गहरा है, गहराई में है, नीचे जो प्लेन मिलेगा। ये देखो, वाओ, ये इसका नेचुरल ब्यूटी। अभी आ गया हम है जाटिंगा, ये हो गया जाटिंगा पहाड़ी, जहाँ पे बाढ़ आके सुइसाइड करता है, और ज़्यादातर यहाँ पे रहने वाले खुकी और डीमा सा कोसारी मिलेगा यहाँ पे। ये है जाटिंगा का नज़ारा, जाटिंगा पहाड़। तो इसका कारण अभी तक कुछ बता नहीं पा रहा है, किस लिए बाढ़ आके यहाँ पे सुइसाइड होता है। ये है जाटिंगा, वाओ, ये देखो जाटिंगा, सुना था जाटिंगा, अभी देखा है। इसमें बारिश होने के चलते पूरा रास्ते में किचड़ किचड़ हो गया। अभी हम पहुंच गया है घोरामारा, ये है घोरामारा एरिया, एरिया करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का है। ঘুরতে আয়, কি করবো এটা, হ্যাঁ খাওয়ার জন্য না, এমনি খাবার জন্য নিয়ে যেতে। তাহলে কি যাবো পাইবি? अभी नज़ारा देखते हैं बांग्लादेश बॉर्डर का, ये है बांग्लादेश बॉर्डर। ये है आगे बांग्लादेश और ये हो गया इंडिया, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। इसके लिए यही भी समाप्त है और आगे बढ़ेंगे हम शिलोंग होते हुए परपेटा। अभी इसका नजारा भी आप लोगों को दिखाया जाएगा।